सामने आए हैं। तो झारखंड में भी धीरे धीरे अब हालात सुधर रहे हैं। रांची में 60 नए पॉजिटिव मामले मिले हैं। तो झारखंड में कोरोना संक्रमण कम होता दिख रहा है। बीते 24 घंटे में 11 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। बड़ी जानकारी, झारखंड में 1449 संक्रमित स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए हैं। झारखंड में धीरे धीरे अब हालात सुधर रहे हैं। मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शुभम कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, झारखंड में भी जिस तरह से कोरोना केसेस कम हो रहे हैं, तो उसके लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह उसको जिम्मेदार मानना चाहिए। बिल्कुल नुपुर, देखिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह झारखंड के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ है और झारखंड के वासी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस निर्णय का बखूबी स्वागत किए हैं। शायद इसी वजह से झारखंड में कोरोना के ग्राफ में गिरावट आई है, लोगों को राहत मिली है, सरकार को राहत मिली है और मौतों का आंकड़ा बेहद कम हो गया है, संक्रमित मरीज बहुत कम मिल रहे हैं। दूसरी बात करें नुपुर, तो जिस तरीका से आज के दिन, क्योंकि 3 तारीख का ये अवधि था कि सुबह 6 बजे तक सुबह स्वास्थ्य सुरक्षा की अवधि समाप्त होनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के अनुसार स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को 10 जून की सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि कुछ रियायतें जरूर दी हैं, अब झारखंड अनलॉक की ओर बढ़ रहा है। अगर बात करें आंकड़ों की, तो महज अब 100 के आसपास ही मिल रहे हैं संक्रमित मरीज। पूरे राजधानी रांची की अगर बात करें, तो 100 का आंकड़ा भी राजधानी रांची में नहीं पार करता हुआ दिखाई दे रहा। पूरे राज्य में 552 नए एक्टिव मरीज पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं आंकड़े में गिरावट जरूर आई है, क्योंकि एक समय था प्रतिदिन हर एक जिले से 700 से 800 का आंकड़ा पार करता था। पूरे राज्य की बात कर ले तो 5000 का भी आंकड़ा पार करता था संक्रमित मरीजों का। मौतों की आंकड़ों में लगातार वृद्धि हो रही थी, लेकिन अब झारखंड एक नई पहल की शुरुआत की ओर चल चुका है। टीकाकरण का प्रारंभ हो चुका है झारखंड में। कई ऐसे चीज़ें हैं जिससे झारखंड की स्थिति अब पटरी पर आती हुई नजर आ रही है। कोरोना को मात देने में झारखंड सरकार ने अपना वर्चस्व लहराया है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उन तमाम निर्णयों का राज्यवासियों ने बेहद स्वागत किया और शायद इसी वजह से झारखंड में आज शुभम, अगर तीसरी लहर की बात करें तो झारखंड में कहा जा रहा है कि तीसरी लहर की दस्तक हो चुकी है, क्योंकि 33 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं, तो उसको लेकर प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां है? देखिए बिल्कुल, राज्य सरकार अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयार है। तीसरी लहर आने का खतरा तो बिल्कुल बरकरार था। उसी कड़ी में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार तीसरी लहर पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि कैसे परिस्थितियों को अपने अंडर कंट्रोल किया जाए। इसी वजह से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को बढ़ा दिया गया। हालांकि रियायतें जरूर दी गई हैं, अगर तीसरी लहर में बच्चों को ज़्यादा नुकसान होगा, बच्चों को ज़्यादा खतरा होगा, तो कहीं ना कहीं फिर से झारखंड अनलॉक की ओर, लॉकडाउन की ओर बढ़ सकता है और जितने भी पाबंदियां लगाई गई थी दोबारा से लगाई जा सकती हैं। हालांकि 15 जिलों में अभी पूरी तरीका से छूट दे दिया गया है। सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक ही प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति है, लेकिन अगर तीसरा लहर का खतरा झारखंड में देखने को ज्यादा बढ़ चढ़ कर मिलेगा, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार उस पर भी निर्णय लेते हुए नजर आ सकती है। जी शुभम, वैक्सीन वेस्टेज की अगर बात करें, तो हाल ही में केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि झारखंड में 37.3% वैक्सीन वेस्टेज होती है, तो उसको लेकर प्रशासन की क्या कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासन द्वारा कि वैक्सीन की जो वेस्टेज है वो रोकी जाए, क्योंकि एक एक बूंद का इस्तेमाल यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल नुपुर, आपने बात बिल्कुल सही कही है। एक एक बूंद, अब एक एक वैक्सीन की खेप हमारे लिए और एक एक डोज हमारे लिए बेहद कीमती है, क्योंकि जिस तरीका से झारखंड में वैक्सीन की कमी देखी गई थी और केंद्र सरकार के द्वारा ये कहा गया था कि झारखंड में वैक्सीन की वेस्टेज होती है, लेकिन अगर इसी में राजनीतिक मुद्दा जोड़ें, तो जिस तरीका से झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार, गठबंधन की सरकार, ये केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है कि झारखंड सबसे कम वेस्टेज करने वाली राज्य है, क्योंकि बाकी राज्यों में वैक्सीन की वेस्टेज झारखंड के तुलना में बहुत ज़्यादा हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस महामारी के दौर में भी आरोप और प्रत्यारोप बखूबी देखने को मिल रहा है। अब सवाल यह है कि जिला प्रशासन और जिस तरीका से केंद्र सरकार के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उस पर क्या कार्रवाई करते हुए नजर आती है। हालांकि अभी स्थिति सामान्य है, 10 लाख डोज मुहैया करा दिए गए हैं 45 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए, लेकिन 18 वर्ष से और 45 वर्ष से नीचे के लोगों के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार से मुफ्त वैक्सीन की मांग कर रही है। और कल ही देर शाम 2.5 लाख डोज झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंची है। ठीक है शुभम, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।
तो झारखंड में कोरोना का ग्राफ सुधरने लगा है। बीते 24 घंटे में 532 नए कोरोना केस सामने आए हैं। राजधानी रांची में 60 नए पॉजिटिव मामले देखने को मिले हैं। तो धीरे धीरे झारखंड में कोरोना केस से जो हालात है वो सुधर रहे हैं। 24 घंटे में 11 संक्रमितों की जान चली गई है।